तो दोस्तों राम राम, स्वागत है मेरे YouTube चैनल सबल कटारे फिटनेस। जय श्री राम दोस्तों। और भाई अपना कर लिया है हम कार्डियो, 1 घंटा कार्डियो, 1 घंटा कह रहा हूँ आधा घंटा कार्डियो है, तो क्योंकि अभी जब तक तो ट्रेनिंग चल रही है तब तक आधा घंटा कार्डियो है। जब तो हम अपना लीविंग मोड में दोबारा आएंगे, क्योंकि ऑफ सीजन चल रहा है अभी, अभी कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, अभी कुछ वो नहीं है, तो अपने आराम से चिल मोड रखना, अभी ज्यादा टेंशन बाजी लेनी नहीं। हाँ पर हाँ ये चीज है, हमें वेट ट्रेनिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है कि वेट कितना लिफ्ट करना है, कल मैंने कितना करा था, तो उस हिसाब से सोच के जरूर चलना है। वो मैं अपना ट्रेनिंग जो लिखने का पैटर्न है ना, वो भाई आप भी बना लो और मैंने भी बनाई रखा है, तो वो जरूरी है कि किस टाइम क्या एक्सरसाइज करनी है। तो स्टार्ट करते हैं अपने 6 अंडे, जिसमें 6 अंडे में से मैं 4 अंडे वाइट लूंगा और 2 अंडे पूरे खाने हैं, ठीक है, योग के साथ। कोई कोई बोलता है एग योग इतना क्यों खा रहे हो, एग योग खाओगे डेली में तो ही बात बनेगी। और साथ में है ओट्स, 100 ग्राम ओट्स है, जिसमें 1.5 स्कूप प्रोटीन है। ये ओट्स मैंने बनाया है, पानी में बने हुए, ठीक है, मैंने बनाया है। हाँ आपने बनाया है। और साथ में इसमें डालूंगा ड्राई फ्रूट्स सीड्स और 2 चम्मच पीनट बटर, 2 चम्मच अजवाइन, जहनी अभी तो खत्म लाया नहीं, ऑलिव ऑयल डाल लो, ऑलिव ऑयल डाल। तो भाई अपनी फर्स्ट मील इज रेडी, इसके बाद अपना रेस्ट करेंगे और टीवी देखेंगे। आज कहीं नहीं जाना, कहीं कुछ नहीं करना, शाम को अच्छे से वेट ट्रेनिंग करनी है, ठीक है भाई। एक और है, हाँ ये बड़ा ना, ठीक है ठीक है, वो उनने वो खराब कर रखा बस साइड पे, ठीक है। तीसरा तो मैंने देखा नहीं, ऊपर भी नजर मार ले, बहु है या दूसरी, कितने देगा उसमें ना है, हरे हैं पर मोटे मोटे आऊंगे, तो ले जान देखे होगा। तीन दो दो ही तो बोले मैंने, 4 तो उसमें लग रहे बड़े बड़े होंगे अभी, तो भाई देख लो, 3 अमरूद और 3 ही पपीता। चले मैडम अब खाना वाना डाइट वाइट ले ले मैं, और सो में फिर है, चले चलो। तो भाई ये सेकंड मील देख लो, थोड़े से 200 ग्राम स्वीट पोटैटो और 4 अंडे की ऑमलेट, 12:30 बजे। और मैडम मुझे देख लो, दलिया और स्वीट पोटैटो। मैडम आपका भी 200 ग्राम ही होगा, 200 ग्राम तो ऊपर है, है? आपने बोला ये पूरा पूरा फिनिश भी ना होगा, मन बे रहा है, कर लेगी ना अब नहीं होएगा पर चलो खा लो फिर, मूवी देखते भाई, अपने मूवी देख लेते हैं चलो। तो भाई बहुत दोस्त मेरे से पूछते थे कि भाई प्री वर्कआउट मील में क्या खाते हो। देखो प्री वर्कआउट मील कुछ भी ले लो जिसमें आपके कार्ब्स प्रोटीन और वेजीज हो, तो ये रही मेरी प्रोटीन मील। चाहे आप इसमें ओट्स ऐड कर सकते हो, ओट्स ले सकते हो साथ में फिश के साथ, या अपना वेजीज मतलब राइस के साथ फिश अच्छी लगती है यार, तो यही खाओ बढ़िया रहेगा। और ये देखो मैडम की मील कैसे बैठी है, ठंड लग रही है, उठाई है जबरदस्ती के भाई उठ जा, न मेरा भी मन ना करता खान करना इसका, उठने का मन नहीं करता। तो ये खा के भाई मैडम वर्कआउट करेगी, नहीं पहले सोऊंगी दोबारा, हाय राम मारूं तेरे गाने मारूं। चलो भाई ये मील लेकर सीधा जिम पे मिलते हैं आपको। तो दोस्तों आ गए भाई अपने जिम में, अब करेंगे अपना वर्कआउट स्टार्ट, और मैडम को भी आज अपने साथ ही लगाए रखूंगा क्योंकि इसके भी लेग्स है, और जो मेरे साथ लेग्स करता है वो अगले दिन उठता नहीं है, ऐसा है, और कल इसको फंक्शन में जाना है। तो चलो जी लेग्स करते हैं और इसको भी करवाते हैं, अगले दिन का भी दिखाऊंगा कि ये उठ पाएगी या नहीं, चल पाएगी या नहीं। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं, आज पूरा वर्कआउट दिखाएंगे आपको, फर्स्ट रैप फर्स्ट सेट से लेकर आखिरी सेट तक, क्योंकि इसमें आज इसकी लेन देन होने वाली है। रेडी है ना, खा पी का आए है कि ना, प्या मूढ़ी के परांठे थे तू खा का आई है, कैसे से लगे बच्ची जी, अच्छा देऊंगा वर्कआउट के हिसाब से, तो हर कोई ये चाहता है कि छोड़ दे इंसान उसको, है ना, पर आज तू बचेगी नहीं, कोई नहीं कर लेंगे। चलो जी आज मैं बिल्कुल फोकस्ड हूँ अपने वर्कआउट को लेके, अपने खाने को लेके, वेरी गुड, ऐसे ही रहना है।
मैडम इधर आ जाओ, आ जाओ इधर, आओ पहले पेंसिल करवाऊंगा आपकी, पैर आगे ले जाओ, इसको ऊपर कौन दूसरा पैर पैर भी से फोल्ड करो, एक नहीं ना पैर फोल्ड करो पीछे ले जाओ, अब इसको ना आगे से फॉरवर्ड बेंड हो जाओ और इसको और पीछे ले जाओ, गुड दूसरा पैर चलो दूसरा पैर करो जस्ट सीधे बैठो परफेक्ट ले जाओ, अब पूरा स्ट्रेच आउट काफ के लिए पूरे नीचे टच करो, टच हो गया या नहीं, नहीं याद रख सर चलो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज लेग एक्सटेंशन से, पहले वार्म अप लेंगे, तो भाई आज मैडम भी आज लेने देने कर ली, ताबड़ तोड़ वर्कआउट करवाना है, ऐसा करा देना जो ये दो दिन तक उठे ना, पहले मैडम एक चीज अच्छी मेरी कि मैं वर्कआउट घर में काम कर लेती हूं तो वो पेन थोड़ा सा रिलीफ हो जाता है, रिलीफ हो जाता है, आप देखते हो मेरे तो पैर दर्द हुआ है ना, इसे मैं बताऊंगा, मैंने कब दबा, अगर ऐसा हुआ तो मैं ब्लॉग में जरूर लूंगा, चलो सीधे रहना, पहले वार्म अप लेते हैं 10 रेप, बिल्कुल आराम आराम से लगाने वार्म अप ले, तो मैडम का 10 किलो से वार्म अप चल रहा है, पहले हम वार्म अप ले लेते हैं फिर सीधा सेट पे दिखाएंगे, पहला सेट दूसरा सेट तीसरा सेट, ठीक है चलो जी मैडम फर्स्ट सेट, तो मैडम तो फर्स्ट सेट लगवा रहे हैं, मैडम तुम लगा दो 10 बोलना, ये 60 आपने कर दिया है, मैंने 20 लगाया तो 25 करूंगा फिर से, जस्ट शट अप, 35 लगेगा, 35 का पहला, तो 35 केजी का पहला सेट, तो मैडम ढंग से लगाना है 8 या 10 है, बढ़िया से कंट्रोल में, ठीक है ना, ऊपर ले जाओ, होल्ड इट स्लो डाउन 1, अब अप कर 2, स्लो स्लो चलना है, ब्रीद आउट करो ऊपर 3, ब्रीद इन 4, 5, गुड 5, 6, परफेक्ट 7, गुड 8, रन, कैसा लगा फोकस है, पूरी जान लगा दीजिए, लोग तो अलग अलग नहीं थी, स्टोरी बनानी है इसके लिए, सुबह इनका भी फर्स्ट वर्कआउट से ना दोनों में सेम वर्कआउट पैटर्न है, कितना वेट लिया बस आप ये एक्सरसाइज फालतू जरूर है, ये कितना वेट है, अब 80 केजी है, 80 केजी का फर्स्ट सेट है, चलो 1, 2, 3, 4, 5, 35 था, अब वेट हम डिक्रीजिंग में करेंगे और रेपिटेशन थोड़े बढ़ा दें, अब मैडम के होंगे 10 रेप मैडम कंट्रोल में जैसा भी लगाए, ब्रीद इन ब्रीद आउट प्रॉपर परफेक्ट, स्लो स्लो नीचे परफेक्ट, बहुत बढ़िया लगाओ 10 रेप बिल्कुल कंट्रोल में, तभी पानी देंगे ये बड़ा, भाई जो भी बिगनर स्टार्ट करने वाला होगा एक्सरसाइज उसके लिए BCA और कार्ब्स मिक्स करके लेना सबसे बेस्ट रहेगा, मजा आ गया, डेरिंग में एनर्जी देगा, डेरिंग का भी ले सकते हैं और लट्स के भी दोनों, नहीं तो तो भाई अगला सेट है मेरा सेकंड सेट 75 केजी और 15 ही रैप लगाने, अभी 80 था फर्स्ट सेट, सेकंड सेट रहेगा मेरा 75 और 15 ही रैप लगाने, और जो
रेंज ऑफ मोशन जो नेगेटिव फोर्स है वो स्लो रहेगी, ठीक है। चले मैडम, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तीन और तेरह चौदह पंद्रह। तो भाई वेट कम हो रहा है तो ज्यादा फट रही है, ये मत सोच रहा वेट कम होने पे एक्टिंग बाजी कर रहा है या कुछ भी है। एक बार सीट फट रही है, ट्राई करके देखना ये वेट मारने के लिए, तो आपको पता चलेगा सीट फट रही है। कहने का मतलब ये था वेट मारने से सीट फट रही है। कम ऑन, वेट 25 है। अब 25 थर्ड सेट है भाई, थर्ड सेट। चलो अब और कंट्रोल में है। एक दो मैडम इसको तीन यहाँ से तीन टाइट रहो, चार पांच नीचे और सुनो पांच छह कमोन छह सात कमोन वेरी गुड आठ आठ बारह रैप करने नौ चलो दस दो रैप रह गए एक और वेरी गुड। कैसा लगा? मजा आ गया ना। चलते तो थर्ड सेट है भाई अपना, थर्ड सेट 70 के जी, अभी 80 75 और 70। अब 70 से नीचे नहीं जाऊंगा, पिछली बार गया था लास्ट हमने 65 पे, तो इस बार 70 के ही दो सेट ले रहा हूँ। पिछली वेट ट्रेनिंग भी लिखनी स्टार्ट कर दो, जैसे मैं लिखता हूँ ना वैसे। तो भाई अपना फोर्थ सेट रहेगा वही 70 के जी, पिछली बार 65 पे गया था, इस बार 65 नहीं जाना। पिछले वीक से अच्छी ट्रेनिंग कर रही है, तो चाहे पांच बढ़ाओ चाहे ढाई बढ़ाओ वो आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे ढाई ढाई भी बढ़ा दो ना, तो आप 12 वीक्स में कम से कम आराम से मसल मास भी गेन कर लोगे और अच्छा आप रिप्ड भी हो जाओगे रेपिटेशन के साथ। एक, चलो जी सेकंड एक्सरसाइज चलो जी आखिरी सेट पढ़िए तो करना है 12 ही रैप।
नीचे से पकड़ो पहले, पहले ना नीचे से पकड़ा करो, दो टाइट रखो, तीन घुटने सीधे मत करो, चार पांच छह झटका नहीं, सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, थोड़ा सा नीचे बस अब होल्ड, स्लो डाउन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, साइड में देखो, साइड में देखो, गुड परफेक्ट। ये दिन उठाने तो भाई अपनी सेकंड एक्सरसाइज रहेगी लेग प्रेस। लेग प्रेस में पिछली बार मैंने 300 किलो मारा था, आज मैं मार रहा हूँ 320, वैसे 400 किलो भी मारा था, पर हाँ धीरे धीरे वीक वाइज बढ़ाते जाएंगे, उस लिमिट्स को भी पुश करना है जो पिछले पिछले से पिछले गेनिंग में करी थी, तो गेनिंग को बीट करना इम्पोर्टेंट है, जो कि मैंने लिख रखा है वो मैं भी आपको दिखाऊंगा। लास्ट टाइम जितना मारा था जितना नहीं थी, तो चलते हैं फर्स्ट सेट 320 किलो, 320 किलो के लगाने हमें 15 रैप। दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चार पांच पंद्रह ही मारने, छह सात आठ नौ दस, पांच और है, चार तीन दो एक और है, परफेक्ट गुड। तो भाई ये ट्रेनिंग लिखी जा रही है, अब लास्ट सेट रह गया मेरा, अब लास्ट सेट देखते हैं हम लगाएंगे। अब इसको बोलते हैं बनिए की डायरी, जरूरी है। ये मैंने लास्ट लगाया, पहले लगाया 320 केजी के 20 रैप्स, 290 के 15 रैप और 270 के 15 रैप, अब 270 के ही दोबारा लगाऊंगा 15 रैप। और भाई ये वेट डिक्रीजिंग में इसलिए है, आप एक बार ये वाली ट्रेनिंग ट्राई करना, इससे आपको पता चलेगा मसल पे फोकस, टेंशन कहाँ आ रही है मसल पे और कॉन्ट्रेक्शन कितना फील कर पा रहे हो। और भाई ट्रेनिंग लिखना स्टार्ट कर दो, मैं अभी भी आपको यही बोलूंगा, इसके बाद बस एक एक्सरसाइज और बची है, काफ रेज, काफ रेज करेंगे स्टैंडिंग वाली, तो वो दिखेंगे। कुछ नहीं होता है, बस वर्कआउट होता है। तो चलो जी आखिरी एक्सरसाइज खत्म करते हैं अपनी काफ रेज से। काफ रेज से हमें 5 सेट लगाने हैं और 20-20 रैप्स रहेंगे, ठीक है। चलो जी स्टार्ट करते हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात नौ दस तो भाई ये 3 एक्सरसाइज करने हैं और कुछ नहीं करना है, इसके बाद हम अपने प्रोटीन शेक पीते हैं, और प्रोटीन शेक में क्या क्या ऐड करना है, कितने स्कूप प्रोटीन पीना है वो जरूर बताऊंगा अभी। स्टार्ट। तो भाई वर्कआउट वर्क डन, फिनिश होता है वर्कआउट में, इसमें क्या क्या है वो बता दो, ये मत पढ़ना। ये इसमें है 1.5 स्कूप प्रोटीन, 2 चम्मच ग्लूटामाइन, 1 चम्मच क्रिएटिन। तो भाई क्रिएटिन अभी कौन रखना है आपको मैंने दिखाया भी था, कटिंग में मैंने क्रिएटिन यूज करा है एंड तक, वर्कआउट मतलब जो जिस दिन मैं शो डे था उससे एक दिन पहले तक मैंने अच्छे से क्रिएटिन लोड रखा है, क्रिएटिन का भी बंद नहीं हुआ और क्रिएटिन का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता, ठीक है भाई। मैंने आपको ब्लड टेस्ट में दिखाई थी, उसमें मैंने प्रॉपर बताया कि भाई मेरी चीज़ की कमी कहाँ कहाँ थी, कहाँ कहाँ नहीं थी। तो चलो भाई अपना प्रोटीन फिनिश करते हैं, इसमें भाई मजा आता है वर्कआउट करने के बाद जब प्रोटीन पीते हैं। तो भाई वर्कआउट करने के बाद मैडम को सीधा ले आया हूँ सेक्टर 4 सेवा डोसे वाले के पास, भाई
या मैडम को खानी थी इडली, मैंने भी दो दो इडली ले ली और साथ में एक डोसा ऑर्डर कर दिया। मैंने कहा यहाँ का मैडम को बहुत अच्छा लगता है, जो यहाँ का टेस्ट है सारी चीज़ लेके मैडम को अच्छी लगती है, तो मैडम को यहीं ले आया, मैंने खा लो आराम से। तो यूँ करी यार आप बहुत अच्छे हो, जब भी ले आए। और मैडम ने प्लेट फिनिश कर दी तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, पहली बार इसने कुछ ढंग से खाया है जो पूरी प्लेट फिनिश करी है इसने, नहीं तो कुछ ना कुछ छोड़ देती है और मेरे को बोल देती तुम खा लो। मेरी प्लेट फिनिश नहीं हुई, इसकी प्लेट पूरी साफ है। और यहाँ देख लो मेरी मुस्कुराहट, और ये मेरी प्लेट दिखाने लग रही है कि भाई तुमने क्यों नहीं खाया। मैंने कहा भाई मेरे को अभी डोसा और खाना है। लो जी अब आ गया मेरा डोसा, पनीर डोसा मेरे को बहुत अच्छा लगता है इनका, तो पनीर डोसा खाया और मैडम को भी थोड़ा सा दे दिया, पर डोसा मैडम ने थोड़ा ही खाया बस। तो फिर चलते हैं जी। ये रही मेरी मील, लास्ट मील, फिश राइस एंड वेजीज, वेजीज 150 ग्राम, सो 200 ग्राम राइस है एंड 150 ग्राम फिश। तो ये भाई अपनी लास्ट मील है, इसके बाद सोते हैं, ठीक है, अभी एंड करते हैं थोड़ी देर में। तो चलो जी भाई सोने का टाइम हो गया, आपसे कल मिलते हैं ऐसी एनर्जी के साथ। और भाई थोड़ा प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखो, और भाई आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर, सीताराम दोस्तों।